नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। ये वो देश है जहां मौत से हंसी निकलती है। दो लाइन सुनाता हूं, पसंद आए तो ताली बजाना, पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। बड़ा देश कमाल का है और देश के लोग भी कमाल के हैं। सब अपने अपने मन की कर रहे हैं मनमानी, सब अपने अपने मन की कर रहे हैं मनमानी। दोस्तों, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों, हम इस कमाल के देश की कमाल की बातें करना चाहते हैं। बहुत कमाल का देश है, कमाल के लोग हैं। जो मना करो उसका उल्टा करते। आप दीवार पे लिख दो, यहाँ पान खा के गुटखा खा के थूकना मना है, वो वहीं थूकेंगे। हाँ, आप लिख दो, कचरा फेंकना मना है, कचरा वहीं फेंकेंगे। पेशाब करना मना है, वहीं करेंगे। बड़ा कमाल का देश और कमाल के लोग। एक जमाना था इस देश में संस्कृत बोली जाती थी। लोग गेट पे लिखते थे, अतिथि देवो भवा, मेहमान भगवान के समान होता है। फिर उसके बाद इस देश में हिंदी आई, लोगों ने लिखा स्वागतम। फिर उर्दू आई, लोगों ने गेट पे लिखा खुश आमदीद, आपकी आमद खुशी का सबब है। फिर अंग्रेज आए अंग्रेजी लेकर, लोगों ने अंग्रेजी गेट पे लिखा वेलकम। अभी कौन सा दौर आया है समझ में नहीं आता, लोग डायरेक्ट गेट पे लिखते हैं कुत्तों से सावधान। संस्कार बदल गए, स्टाइल बदल गया, मगर देश नहीं बदलता। कमाल के लोग हैं। बसों में चढ़ो, सीट के पीछे लिखा रहता महिलाओं के लिए, महिलाएं होती नहीं, पुरुष ही बैठे दिखते। मैं हरियाणा गया दोस्तों, हरियाणा में एक बस में बैठा, एक दादाजी बीड़ी पी रहे, उसके पीछे एक महिला बैठी, महिला के छः छः बच्चे, एक इस गोद पे, दो बाजू में लेटे, छः छः बच्चों के साथ सफर कर रहे। उसने दादा को मना की, दादा बीड़ी फेंक दे, तेरी बीड़ी के कारण बच्चों को उल्टी हो रही है, तेरे ऊपर लिखा है धूम्रपान मना है, बीड़ी सिगरेट पीना मना है, फिर भी तू बीड़ी पीता है। दादा बोले, देख छोरी, तेरे ऊपर भी लिखा है हम दो हमारे दो, छे छे लेके घूम रही है। बड़ा कमाल का देश है, मगर जैसा भी है हमारा देश है। रिमोट खरीद के लाएंगे, उसके ऊपर पन्नी चढ़ी रहती है, एक साल तक नहीं हटाते ताकि नई नई लगे। गाड़ी खरीदते हैं, सीट कवर के ऊपर पन्नी चढ़ी रहती है, नहीं हटाते ताकि नई लगे। बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि हम सोच नहीं पाते, लेकिन फिर भी मैं आखिर में इस देश को सलाम करता हूं, क्योंकि ये देश फिर भी दुनिया में सबसे महान देश है। देश के लिए चार लाइन कि सभी धर्मों को समान होने दो, सभी धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो, अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में अजान होने दो। थैंक यू वेरी मच। मुझे याद है एक छोटा सा बच्चा अपने दादा के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, तो दादा के साथ बच्चा भी जा रहा, सामने से उसके टीचर आ रहे। दादाजी बोले, बच्चू छुप जा, बेटा तेरे टीचर आ रहे हैं, 3 दिन से तू स्कूल नहीं गया, तुझे मारेंगे। ओ पोता बोला, दद्दू ते भी छुप जा। बोले, मैं काहे छुपूं, कोई मैं स्कूल जाता हूँ। बच्चा बोला, नहीं दद्दू, तेरा देहांत हो गया, यही बोल के छुट्टी ली आओ। गजब के लोग बहाने बनाते हैं, छुट्टियां लेते हैं, लेकिन छुट्टियां कभी कभी खतरनाक भी हो जाती हैं। छुट्टियों से पोल खुल जाती है। एक पोल खोल के बताता हूँ, मेरे यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे PWD के, ब्रिज बनाते ना उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर, लेकिन बस उनको शक की बीमारी, ऑफिस जाएं और पहली कॉल अपनी पत्नी को ही लगाते, हेलो डार्लिंग कहाँ हो। पत्नी भी बोले, मैं किचन में हूँ जी।
बोले फिर मिक्सी चला के बताओ। ओ बेचारी मिक्सी चला दे गुर्र। बोले अब यकीन हो गया, काम में लग जाए। रोज 11 बजे ऑफिस पहुंचे और पहली कॉल पत्नी को, हेलो डार्लिंग कहाँ हो? बोले मैं किचन में हूँ। बोले मिक्सी चला के बताओ गुर्र। बोले हाँ अब यकीन हो गया। एक दिन अचानक छुट्टी हो गई 2 बजे, 5 बजे वाली, 2 ही बजे शहर बंद हो गया, छुट्टी हो गई। साहब घर आए, रामू अकेले पोछा लगा रहा। ये देखे बोले क्यों रे रामू, तेरी मालकिन नहीं दिख रही, कहाँ गई? बोले हम कहा बताई हजूर, 11 बजे आप ऑफिस जाते हैं, मैडम मिक्सी बैग में रख के कहीं और चली जाती। और तो और, गांव वालों के लिए छुट्टी का मतलब है देव स्थान जाना। धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे किसान लोग, छुट्टी मिल गई चलो बनारस चले, डुबकी लगा के आ, चलो इलाहाबाद घाट से आते हैं, चलो मेला चले, गांव के लोग मेले में चले जाते और मेले में लोग गुम ही जाते। एक किसान की पत्नी गुम गई, वो कंप्लेंट कराने पुलिस के पास आया। बोले हजूर हमारी पत्नी गुम गई, ढूंढ दो। बोले तू तो वही है ना, पिछले साल भी आया था, तेरी पत्नी खो गई थी, हमने ढूंढ के दिए थे। बोले वो तो दूसरे की थी, इस बार वो भी खो गई। आदमी ने कहा अच्छी है, खूबसूरत है, तो दूसरे किस घर ले गया? कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया, मैंने साबुन से लुंगी धोया, रुमाल हो गया। दुकानदार बोला व्यर्थ के आंसू मत बहा, जा तू भी उसी साबुन से नहा, तू भी जाके सुकड़ जाएगा और दोनों का साइज बराबर हो जाएगा। ये मुल्क बड़ा कमाल है, लेकिन फिर भी सब कुछ गोलमाल है। हम MP चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, चुन चुन के हम दिल्ली पहुंचाते हैं, अपनी राजधानी पहुंचाते हैं, लेकिन उनको करोड़ों रुपए साल भर में कमाने को मिलते हैं। हवाई यात्रा फ्री, ट्रेन यात्रा फ्री, गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं लेते हैं, और हम गरीबों से कहते हैं बेटा जो सब्सिडी मिल रही ना गैस की 350 रुपया, उसको छोड़ दो, तो तुम ये सुविधाएं छोड़ दो, हम 350 रुपये छोड़ देंगे। ये इस देश का नक्शा है और ये इस देश की बातें, लेकिन सब कुछ गोलमाल है। जहाँ जाओ, बच्चों का एडमिशन कराना है रिश्वत, आपके घर में चोरी हो जाए रिपोर्ट लिखा के बताओ वहाँ रिश्वत, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। लेकिन देखो पुलिस सिविल हो या ट्रैफिक वाली, दोनों में बदमाशियाँ हैं। मैं तो दिल्ली घूमने गया, ये हमारे पाजी के साथ सुरेंद्र पाजी, सुबह सुबह मोटरसाइकिल लेके आ गए इनके बड़े पिताजी की, एहसान चलो दिल्ली घुमाता हूँ। मैंने कहा प्यारे अपने पास हेलमेट तो है नहीं? बोले अपने पास आइडिया है। हम दोनों निकले तो लाल किले के सामने सिपाही ने रोका, हेलमेट? बोले सर ये MP का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कॉमेडियन है, देश को हंसाता है। बोले वो कुछ नहीं, फाइन भरना पड़ेगा। इसने 500 का नोट दिया, बोले अब जाओ। बोले सर पर्ची दे दो, पर्ची भूल जाओ, जाओ। बोले अगले चौराहे पे पुलिस वाला रोकेगा तो क्या कहेंगे? बोले बोल देना तोता। इसके साथ में आगे बढ़ा, चांदनी चौक पे एक सिपाही ने रोका, हेलमेट? ये बोला तोता, सिपाही बोला उड़ जा। फिर हम सब कुतुब मीनार के सामने बिसिल बजाया, हेलमेट तोता उड़ जा, पूरा शहर घूम डाले, तोता उड़ जा। मैंने कहा गजब का तोता उड़ता। दूसरे दिन भाई फिर स्कूटर लेके आया, मैंने कहा यार भाई हेलमेट तो है नहीं? बोले तोता तो है, चलो तोते के बहाने ही उड़ेंगे। हम लोग जैसे ही निकले जामा मस्जिद के सामने, पहले सिपाही ने रोका, हेलमेट? ये बोला तोता, सिपाही बोला किनारे आ जा, आज तोता नहीं कौआ है। रोज रोज तोता नहीं उड़ता,
इनके सिंबल बदल जाते हैं, इनका स्टाइल बदल जाता है, लेकिन गोलमाल है हम अपने घरों में भी रिश्वत देते हैं। मेरे पड़ोस में रहते हैं शर्मा जी, गरीब आदमी, लेकिन पैसा बचाना जानते हैं, घर में रिश्वत चलती है। शाम को खाने पे बैठे तो उन्होंने सारे बच्चों से बोले, देखो जो भूखा सोएगा उसको हम 10 का नोट देंगे। सब बच्चे 10-10 रुपये लिए चुपचाप सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे, शर्मा जी बोले जो 10 रुपये देगा उसी को खाना मिलेगा, वो 10 रुपया फिर वापस ले। जाते जाते मैं 4 लाइन देश के तिरंगे के लिए पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप देश के तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू दे